गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं चिराग, आपके अपने चैनल द स्टडी कैफ़े कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत करने के साथ साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। नया टॉपिक जो है वो हमें आज कराना है। लास्ट हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री किया था। ट्रिग्नोमेट्री के हमने सारे टॉपिक जो हैं वो, एक तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन थे और इसके बाद जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो हमने दोनों साथ में कर ली थी। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस का, वो है हमारे पास एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा जो है वो लगभग लगभग वैसा ही होता है जैसा कि आपने अर्थमेटिक में जो है वो सिंप्लीफिकेशन या सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांकरणी और सरलीकरण जो हिंदी में कहते हैं, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको कराएंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो जानते होंगे। तो वो लगभग लगभग वही चीज़ें होती हैं, जो फॉर्मूले वहाँ काम आते हैं वो यहाँ भी काम आते हैं। हम सारे फॉर्मूले एक बार फिर से लिखेंगे एलजेब्रा के लिए, और एलजेब्रा का जो पैटर्न उनको उन फॉर्मुलों पर डिपेंड करेगा वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले एक पैटर्न समझा देंगे आपको, जिससे कि आगे उस पर आधार पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे, या फिर गलती तो वैसे नहीं करेंगे आप अगर समझदार हैं, लेकिन जल्दी कर लेंगे अगर हम समझा देंगे आपको पहले तो। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एलजेब्रा में कौन से फॉर्मूले काम आने वाले हैं। तो देखिए, एलजेब्रा जिसे हम बीजगणित भी कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूले कौन से, बहुत सिंपल से फॉर्मूले जो कि आप आज तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं तो हम लिख देते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, एक होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए बी बी सी और सी ए स्क्वायर के हो गए। अब आता है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के थ्री ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस के बी। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास आता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, यहाँ पर हम ए माइनस बी लेने के साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के थ्री ए बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस के बी प्लस के सी और ब्रैकेट में होता है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसी का जो दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं वो ये दो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं हम, ए हाफ लगाने के बाद ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें से मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर जानते ही होंगे, बाकी कुछ भी इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक लिख दिया है। बस ये थोड़ा सा आई थिंक कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, वरना बाकी कोई फॉर्मूले नए नहीं हैं, सब वही पुराने फॉर्मूले हैं। इसके दो फॉर्मूले हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सामने क्वेश्चन है वो किस तरीके से दिया हुआ है, हमें जो क्वेश्चन की डिजिट्स हैं वो कैसे दी हुई हैं। अगर हमें ए बी सी की न्यूमेरिकल डिजिट दी होंगी तो हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर घटने के बाद डिजिट छोटी हो जाएंगी, फिर स्क्वायर करना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वैसे देखो इसमें कुछ खास बात होती है इस फॉर्मूले में, वो उस फॉर्मूले को या फिर इसके अलावा जो भी हम खास बात के बारे में बात करेंगे वो देखो क्या है। वो खास बात ऐसी होती है कि जैसे कि देखिए कि कहीं भी किसी भी कंडीशन में, जैसे कि मैं लगा दूं इफ, यदि क्या कि अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पर जीरो मिल रहा हो, तो a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पर जीरो मिलेगा, तो ये पूरा टर्म जीरो होने के बाद हम बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के थ्री ए बी सी जो है वो पूरा टर्म जो है वो जीरो होगा, क्योंकि जब यही जीरो है तो इंटू करने के बाद पूरा जीरो। या फिर वो इसको ऐसे भी बोल सकता है कि ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी
सी होगा। ये दोनों ही टर्म हो सकते हैं यदि, यदि कौन सा, ये अगर एप्लीकेबल है तो ही। अब वो एप्लीकेबल देखिए, ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, ए माइनस के बी माइनस के सी भी हो सकता है। अगर वो अगर ऐसा दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ए प्लस में है, फिर प्लस का है, फिर माइनस के बी, फिर प्लस है, फिर माइनस के सी। तो फिर आपको जो यहां पर आपने बी यूज किया है, फिर उस स्थान पे आपको माइनस बी लेना है। तो ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे बन जाएगा कि ए तो ए प्लस में ही है तो ए क्यूब, माइनस बी क्यूब करेंगे तो माइनस के बी क्यूब हो जाएगा, माइनस के सी का क्यूब करेंगे तो माइनस के सी क्यूब हो जाएगा। माइनस तो कंपलसरी है, ये थ्री इंटू प्लस का ए करेंगे, इंटू माइनस का बी करेंगे, इंटू माइनस का सी करेंगे। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये पूरा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, ये जीरो। अगर ये टर्म बन रहा है तो फिर ये कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस के थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन जो है वो इफ पर ही एप्लीकेबल होती है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर क्वेश्चन 100% आता है, किसी ना किसी सेट में मिल जाता है, ठीक है ना। और क्या है इसमें हमारे पास बताने के लिए, वो हम सीधे बातें यहाँ बता देते हैं, कोशिश कर लेते हैं ये बताने की। क्वेश्चन में आएगी तो अपने आप ही ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ बातें ये भी हैं कि जैसे कि देखिए, हमारे पास है एक टर्म x प्लस के वन अपॉन एक्स और एक टर्म है हमारे पास x माइनस के वन अपॉन एक्स। ऐसे टर्म आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं वो सारी कंडीशन यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्वेश्चन में आएगा तो हम थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे। देखिए पहली कंडीशन में वो इस पे स्क्वायर लगा सकता है, उसी तरीके से इस पे भी स्क्वायर लगा सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जब इस पे स्क्वायर लगाएगा तो देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस के टू ए बी लगाता है तो ए बी से कटने के बाद यहाँ ओनली टू बचता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के टू। यानी कि कहीं पर अगर सपोज हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, सेवन, कितना दिया हुआ है सेवन, तो बताइए एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है। तो अब ये चीज के लिए आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहां पर ये टर्म आता है और साथ में दो और होता है, तो क्यों ना दो मैं यहां जोड़ दूं और दो यहां जोड़ दूं, तो ये वैल्यू नौ हो जाएगी। और ये जो पूरा टर्म है वो बन जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा तीन का स्क्वायर। यानी कि मैं इजीली बता दूंगा कि वन अपॉन एक्स एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स तीन हो जाएगा। तो ये चीज इसमें जो है वो काम की है, यही काम जो है वो क्यूब में भी कर सकता है, नेगेटिव वाले में भी कर सकता है। अगर नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं है, बस हमारे पास जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू आती है, तो यहां माइनस का टू करने की कोशिश करेंगे। तो इसी पे ही पूरा जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करेगा। क्यूब में क्या पॉसिबल है, क्यूब में क्या हो सकता है, क्यूब वाला देख लेते हैं एक। क्यूब में क्या पॉसिबल है, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के थ्री ए बी, ए बी में ए इंटू बी, ये पूरा कट जाएगा, ध्यान रखिएगा ये टर्म होगा ही नहीं। वो क्या बोलेगा आपसे, वो कि जैसे कि एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो तीन है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से जो भी वो बोल रहा है, ठीक है। मेरा बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर आपको समझाना है कि जैसे 3ab करेगा तो ये और ये टर्म कटने के बाद ब्रैकेट में क्या आता है, a प्लस का b, तो ये टर्म आ गया। आपको हर क्वेश्चन में इसकी जो रियल वैल्यू है जो वो आपको क्वेश्चन में देगा वो आपको यहाँ पुट करनी है, फिर इसका इतने टर्म का आंसर निकालना होता है आपको। ये देने के बाद वो आपसे ये पूछ लेगा तो बताइए ये वैल्यू क्या होगी। तो हम सीधे जानते हैं कि हमें ये काम करना है, ये जो टर्म है वो तभी मिल सकता है जब हम इसका होल क्यूब करेंगे, होल क्यूब करेंगे, और इस क्यूब करने में हमें ये 3 इंटू ए प्लस बी वाला टर्म आना कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, और ए बी से ये दोनों कट जाएंगे 3ab में। तो इसकी वैल्यू हमें पुरानी वाली वैल्यू पुट करनी है, 3 3 9, और क्यूब करेंगे 27। यानी करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जब हमने यहाँ पर क्यूब किया, हमने जब यहाँ पर क्यूब करेंगे तो वहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस के वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस के 3 इंटू इसकी वैल्यू 9, कितना आ गया 18। यानी कि जो उसने हमसे पूछा था वो कितना हमारे सामने आ गया, 80।
तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ये तो मैंने काफ़ी आगे का बता दिया है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो हम थोड़ा इजी से शुरुआत करेंगे, जिससे कि आपको धीरे धीरे जो है वो हम ऊपर के लेवल तक लेकर जाएं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर हम। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि P और Q के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है। तो आप यही रिलेशन 8 और 2 में भी लगाइए। तो देखिए लगा देते हैं, 8 प्लस का 2 प्लस के 8 अपॉन 2 4, यानी कि 8 और 2 10 14 हो गया। तो यहाँ पर हम आंसर कितना बोल देंगे, 40। ये हमारे पास 14 हो गया, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वो हमसे कहता है कि ये 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स जो है वो ये रहा हमारे सामने, और ये 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 है, ये 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 है, ये 1 प्लस के 1 अपॉन आगे तो नहीं जा रहा, 1 प्लस के एक्स प्लस 3 है, और इसका हमें हल करना है। ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स, ये बन जाएगा x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन। एलसीएम ले रहे हैं तो x प्लस वन ऊपर और वन ऐड करने पर टू हो गया, इन टू है ये, बीच में इन टू है, तो ये यहाँ पहुँचने के बाद ये बन जाएगा x प्लस के थ्री, और नीचे कितना हो जाएगा x प्लस के टू। देखिए कैसे कटेंगे, ये कट जाएंगे क्रॉस में, वहां बचेगा x प्लस के 4 और यहां बचेगा ओनली x। ठीक है, ये आंसर हो गया ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि 472506 इज इक्वल टू बोलता है हमसे इसके लिए 4 इंटू ए प्लस के 7 इंटू बी प्लस के 2 इंटू सी प्लस के 5 अपॉन डी प्लस के 6 इंटू ई। ये इसने हमको दिया है, वैल्यू जो पूछी है वो बाद में लिखेंगे, पहले देखो इसका इससे क्या लिंक है वो देखते हैं। देखो इस इक्वेशन को जो ऊपर वाली वैल्यू है, इक्वेशन नहीं है मतलब एक नंबर है, उसको देखिए हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 40 प्लस के 7 प्लस के 0.2 प्लस के 0.05 और प्लस के 0.0006। ऐसे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। देखिए अगर इनको ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा 4 प्लस के 7 0.2 0.05 और 0.0006। ठीक है, अब इसको इसको कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो। तो ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी 4 इंटू 10 जिसमें ए की वैल्यू 10 लग रही है हमें, 7 इंटू 1 जिसमें बी की वैल्यू 1 लग रही है हमें, 2 इंटू 0.1 जिसमें सी की वैल्यू हमें 0.1 लग रही है, और यहाँ पर मेरे को कुछ दिख रहा है ये वैल्यू बन रही है 5 इंटू 0.01। ठीक है ना, 5 इंटू 0.01 जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में 1/100 भी बोल सकते हैं। तो जब 1/100 बोलेंगे तो d की वैल्यू जो है वो मेरे को 100 मिलेगी, और यहाँ पर जो तीसरी वैल्यू है उसको हम कह सकते हैं 6 इंटू 0.0001 जिसमें e की वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी हमारे पास 001। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ देख लीजिए जो उसने हमसे पूछा है, इसने हमसे क्या पूछा है, 5a 3b 6c d+k 3e। रख दीजिए वैल्यू, a की वैल्यू है कितनी 10, तो ये 50 हो गया। 3b की वैल्यू है 1, तो ये 3 हो गया। c की वैल्यू है 0.1, तो ये 0.6 हो गया। d की वैल्यू है 100 और d अकेला है यहाँ पर, तो 100 हो गया। और 3e की वैल्यू है हमारे पास 0.001, तो ये हो गया 0.003।
तीनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, देखिए 50, 53, 100, 153, 153 तो पॉइंट से पहले हो गया और पॉइंट के बाद पहुंच गया 6003। तो कुल मिला के आंसर बन गया 153.6003। सी ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि x इज इक्वल टू, तो देखिए हम आपको दे रहे हैं √3 + √3 - 1। y के लिए बोलता है √3 - 1 और √3 + 1 ये बोला है। देखिए हम इसमें जानते हैं कि कभी भी ऐसे रूट में हमें संख्याएं मिलती हैं तो इसका परिमेयकरण करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि नीचे से रूट गायब हो जाता है। परिमेयकरण का सेंस होता है कॉन्जुएट इनटू भी बोलते हैं कि नीचे की वैल्यू ले सेम लेकर साइन चेंज कर दो, बस साइन चेंज कर दिया। सिमिलरली यहां भी करो, नीचे प्लस में है तो आप माइनस में कर दो इस तरीके से। तो देखिए ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर। होल से होली क्या होता है, a² + b², तो a² b² 3 और 1 4 बन जाएगा और यहां पर 2√3 आ जाएगा। नीचे बनेगा a + b a - b a² - 1 3 - 1 यानी कि 2। तो कुल मिला के ये वैल्यू बन जाएगी 2 + √3। सिमिलरली जब आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी 2 - √3। ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई y की और x की। अब इसने पूछा क्या हमसे, x² + y² स्क्वायर खोल दीजिए। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 + √3 का स्क्वायर। तो ये बन गया a² + b² + 2ab, तो 4 + 3 = 7 + 2ab यानी कि 4√3। सिमिलरली वहां भी बनेगा 7, लेकिन वहां बनेगा -√3। तो ये कैंसिल होने के बाद 7 और 7 = 14 आंसर हमारे सामने हो जाएगा। 14 ऑप्शन में हमारे पास है ए ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है कि p = 999। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, p बाहर है p² 3p + k 3 + k 1। ये हो गया, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू बन सकती है। ये जो अगर मैं p का अंतर इंटू कर दूंगा तो ये बन जाएगा p³ + k 3p² + k 3p, और ये प्लस में ये बन गया कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास जो है वो क्यूब रूट है, ये बन गया क्यूब रूट। अब ध्यान रखिएगा ये जो पूरा फंक्शन जो है ना वो p + 1 का होल क्यूब का होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे क्यूब को तो आपको ये निकल के आएगा, और होल क्यूब पे क्यूब रूट लेंगे तो ये p + k 1 बचा ओनली, और p की वैल्यू है 999 + 1, तो यानी कि ये हम बोलेंगे 1000। एक लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा करने को था नहीं, सिर्फ एक समझने वाली बात थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां इसने हमसे कहा a = 7 b = 5 और c = 3, ये बोल दिया हमको, और यहां बोल दिया a² + b² + c² - ab - bc - ca। जो देखिए अभी थोड़े पहले जब मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे तो देखिए इसके स्थान पर उस फॉर्मूले में मैंने चेंज किया था, वो ये था कि हाफ लगाने के बाद a - b² + b - c² + c - a² भी हम इस टर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। और एक जगह मैंने क्षेत्रमिति में आई थिंक कहा था कि ये जो इक्वेशन होती है वो एक समबाहु त्रिभुज की होती है जहां पर ए बी सी भुजाएं होती हैं। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं तीनों इक्वल हैं तो वो यही कंडीशन बनती है। बुझ लो वो वहाँ की बात वहाँ खत्म हो गई, लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था। अब बस कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था कि जब भी आपको ए बी सी की डिजिट में वैल्यू दी जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और देखिए हम वही करने जा रहे हैं। a - b 5 - k 7 - k 5 यानी कि 2 की वैल्यू 4 हो गई, b - c 5 - k 3 2 की वैल्यू 4 हो गई, और c - k 3 में से 7 गया तो -k 4 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास जो वैल्यू है वो बनी 8 + k 16 यानी कि 24/2 यानी कि 12।
ठीक है, तो ये इस तरीके से 12 हमने ये ढूंढ लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। x प्लस के 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में x माइनस के 1 अपॉन एक्स और तीसरे ब्रैकेट में माइनस 1 और लास्ट वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ हमें ये मिला है, हमसे वैल्यू पूछी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाएं और इन दोनों को मिलाएं। इन दोनों को मिलाते हैं तो ये कुछ फॉर्मूला जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बन रहा है। इन दोनों मिलाइए, देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है ना, तो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस के 1 अपॉन एक्स क्यूब। वैसे ही जब हम इन दोनों को लेंगे तो ये बन रहे हैं एक्स क्यूब माइनस के 1 अपॉन एक्स क्यूब के। अब देखिए कंडीशन बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी की, तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बन जाएंगे एक्स की पावर 6 माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर ऑल्सो 6। ये हमारे पास कंडीशन बन गई, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आया, एक्स की पावर 6 यानी कि डी वाला ऑप्शन माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 6। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, चले आ रहे हैं आराम से, ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इसने हमको दिया हुआ है x की पावर 1 अपॉन 3 y की पावर 1 अपॉन 3 और इक्वल टू z की पावर 1 अपॉन 3, और जो इसने हमसे पूछा है उसकी वैल्यू हमें ऑप्शन में से देख के बतानी है। इससे जो इसने हमसे पूछा है वो कैसे लेके आए, सिंपल सा मेरे को दिख रहा है कि मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो मेरे को कुछ मिल सकता है। करता हूँ a का क्यूब, a का क्यूब करूंगा तो ओनली x बचेगा, b का क्यूब पूरे टर्म का क्यूब करूंगा तो ये 1 अपॉन 3 है, इंटू 3 कटने के बाद ओनली y बचेगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab भी होता है, यानी कि 3x की पावर 1 अपॉन 3 और y की पावर 1 अपॉन 3 और ब्रैकेट में आता है a प्लस बी, यानी कि ये पूरा टर्म, और इस पूरे टर्म का मान हमारे पास क्या है z की पावर 1 अपॉन 3, तो मैंने ये टर्म लिख दिया। और इक्वल में हमारे पास क्या था, z 1 अपॉन 3 है, क्यूब करेंगे कट जाएगा 3 से 3 तो z बचा। अब देखिए ये बन गया x प्लस के y प्लस के 3xy और z का की होल पावर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z। z को आप यहां पर ले आइए, z को आप यहां ले आइए, x प्लस के y माइनस के z, और इसको वहां भेज दीजिए 3 और xyz की पावर 1/3 लेकिन माइनस में। अब कर दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर, तो ये बन जाएगा x प्लस के y माइनस के z का होल क्यूब, और ये बन जाएगा माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस के 27, और ये क्यूब्स की वजह से ये 3 उड़ जाएगा, x y के z बचेगा। इसको यहाँ ले आइए तो ये बन जाएगा x प्लस के y माइनस के z का क्यूब और प्लस 27 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इसने हमसे पूछा था उसका आंसर क्या निकल के आया मेरे पास 0। तो 0 जहाँ ऑप्शन में दिख रहा है आप टिक मार दीजिए, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है सी पे टिक मार दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, a अपॉन b प्लस के b अपॉन a इज इक्वल टू है हमारे पास 1, ठीक है। तो पहले सॉल्व करें इसको, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और नीचे ए बी है वो हमने सामने भेज के ए बी कर दिया, तो ये यहाँ लाए तो कुछ ऐसे बन गया। और जो उसने हमसे पूछा है वो पूछा है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, जब इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो ये बनता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू 0 है हमारे पास तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना, तो यानी कि इसका आंसर कितना निकल के आया 0। 0 जहाँ पर मिल रहा हो ऑप्शन में टिक मार दीजिए जल्दी से, यानी कि ए ऑप्शन में 0 आपको दिख रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे देखें, हाँ ये देखिए एक अलग चीज़ है हमारे पास,
यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। x माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के y माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस के z माइनस के 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इसने हमको दिया हुआ है और हमसे x प्लस के y प्लस के z की वैल्यू पूछी है। अब देखिए इसमें एक सुनने वाली देखने वाली ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या है, वो ये बात है, ये हमारे पास तीन फंक्शन है, एक x के साथ में, एक y के साथ में, एक z के साथ में, तीनों के ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब स्क्वायर एक ऐसी संख्या होती है जो कि अंदर की वैल्यू को भी प्लस में कर देती है, यानी कि ये तीनों ही फंक्शन प्लस में आने हैं। जब ये तीनों फंक्शन प्लस में आने हैं और बाहर इनके बीच में प्लस लगा हुआ है यानी कि संख्या बड़ी बनेगी, तो फिर ये इक्वल में जीरो क्यों है? हर कंडीशन में देखा जाए तो स्क्वायर प्लस लेके आता है, स्क्वायर के अंदर कोई वैल्यू प्लस में ही रहती है, अंदर अगर माइनस भी है तो स्क्वायर करने के बाद बाहर आके प्लस में ही आएगी, यानी कि इन फंक्शन का मान प्लस में आना है, बीच में भी प्लस है, तो यानी कि बड़ी संख्या आनी है, तो ये जीरो क्यों आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में जब स्क्वायर हो तो जीरो सामने लिखा हो तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है कि ये टर्म अपने आप में जीरो है, तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यानी कि अगर x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 3 संभव है, और y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 4 संभव है, और z माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 तो z की वैल्यू 5 संभव है, इस तरीके से, ठीक है ना? तो 3, 4, 5। अब यहाँ पर रख देते हैं, क्वेश्चन यही पूछा हमसे, x प्लस के y प्लस के z, यानी कि 3 प्लस के 4 प्लस के 5, तो 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट या जो भी है 12 से हमसे पूछा है, आंसर जो है वो हम 12 पे लगा देंगे, डी पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x-1। इसका इंटू करेंगे, देखिए तो हम जानते हैं कि इंटू में पावर ऐड होती हैं, तो ये बन गया 3/5 और 3-6 इज इक्वल टू 3/5 और ये बन गया मेरे पास 2x-1। दोनों जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल कर दी जाती है, यानी कि 2x-1 की वैल्यू बन जाएगी -3, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2x की वैल्यू जो है वो -2, तो x की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी, जो कि आपको आसानी से ऑप्शन में देखने को मिल रही होगी सी में, ठीक है? तो अब हम देखते हैं ये 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए माइनस के बी माइनस के सी और माइनस के 3, ये इसने हमसे बोला है, कहीं कट नहीं रहा, सही है, ठीक है? और हमसे पूछा है 2a-3b प्लस के 4c इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है इसने हमसे, ठीक है? अब देखिए करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में हम इसको नीचे लेके आते हैं, नीचे समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इस तीन को आप ब्रेक कर दीजिए 1+1+1 में, ठीक है? और इसको अंदर इंटू कर दीजिए 2a-2b और -2c। अब क्या होगा, ए स्क्वायर 1 को लाएंगे यहाँ पर तो -1, ठीक है? नहीं, माइनस में है, देखिए तीनों 1 माइनस में है क्योंकि 3 माइनस का है, तो +1, और 2a जब यहाँ आएगा तो -2a होगा, तो ये हमें एक फंक्शन मिल जाएगा। प्लस लगाएंगे, बी स्क्वायर 1 यहाँ पर लाएंगे प्लस में आएगा, ये नेगेटिव का प्लस आ जाएगा। तीसरा फंक्शन सी स्क्वायर, माइनस का +1 हो जाएगा और ये प्लस का 2c हो जाएगा, तो वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, और ये तीनों फंक्शन जो हैं वो a माइनस के 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये c प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये a की वैल्यू अगेन वही वाली, मतलब जो हमने बताया था, स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, इक्वल 0 हो, तो ये जब भी संभव है जब तीनों टर्म अपने आप में जीरो हो। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1 मिलेगी। अब यहाँ पर रख दीजिए जो उसने हमसे पूछा है, 2 × a 2 होता है, -3 × -1 यानी कि +3 होता है, और 4 × -1 -4 होता है, यानी कि 5 − 3 यानी कि ये आंसर होता है -1, जो कि आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, सी ऑप्शन जो आप देखने को आपको मिल रहा है।
अब देखिए इसी तरीके से ये 16वां क्वेश्चन भी है, इसको भी हम देख ही लेते हैं यहीं की यहीं। तो यहाँ भी देखिए इसने कुछ ऐसे ही किया है कि a माइनस के 3 इज इक्वल टू का स्क्वायर दिया है और b माइनस के 4 का भी स्क्वायर दिया है और c माइनस के 9 का स्क्वायर दे के 0 बोल दिया। तो अगेन यहाँ से a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 9 मिल गया। पूछा इसने क्या कि a प्लस बी प्लस सी का रूट हमारे सामने कितना होगा। देखिए ये तो पूछा आंसर, यही पूछा है। तो बस बता दीजिए यहाँ पर हमें कि 3 प्लस के 4 7 और 9 16, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये सेम क्वेश्चन हमारे सामने थे तो हमने कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस के एक्स और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई, ये बोल दिया इसने हमको, है ना। अब पूछा क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस के वन प्लस के वन अपॉन वाई प्लस के वन प्लस के वन अपॉन जेड प्लस के वन इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे इसने पूछा है। अब देखिए इसको कैसे हल करें और ऑप्शन हमें कैसे दिए हैं, माइनस वन वन टू फोर, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर आना है और ऊपर हमें ये वैल्यू दे दी है, इनका हमें कहीं यूज़ करना है। तो देखिए जहाँ तक आपको अपने लॉजिक का यूज़ करना है, दिमाग का यूज़ करना है कि कैसे इसमें ये वैल्यू पुट की जाए, तो क्यों ना हम x का इंटू ऊपर x का इंटू नीचे पहले वाले टर्म में कर दें, y का इंटू ऊपर y का इंटू नीचे दूसरे वाले टर्म में कर दें और z का इंटू ऊपर z का इंटू नीचे तीसरे वाले टर्म में कर दें। तो ये बन जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के x, ये बन जाएगा y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के y और ये बन जाएगा z अपॉन z स्क्वायर प्लस के z। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, ये बन जाएगा z अपॉन x प्लस के y प्लस के z, ये बन जाएगा y अपॉन x प्लस के y प्लस के z, ये बन जाएगा z अपॉन x प्लस के y प्लस के z। देखिए तीनों के हर बराबर हो गए तो अंश भी जुड़ जाएंगे, जब अंश जुड़ जाएंगे तो ये x प्लस के y प्लस के z अपॉन x प्लस के y प्लस के z कितना आ जाएगा, 1। यानी कि यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो हमारे सामने कितना है, 1। हाँ ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 18 वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट में है तो इसका जो हम आज की एंडिंग है वो अच्छे क्वेश्चन से करेंगे। यहाँ इसने हमसे कहा है कि ए एक्स क्यू प्लस के 3x² माइनस के 8x प्लस के बी, ये एक द्विघात समीकरण है, सॉरी त्रिघात समीकरण है, ठीक है, त्रिघात समीकरण है जिसके इसने कहा है कि दो हल हैं। हल का मतलब होता ही यही है कि उससे डिविजिबल है। तो ये जो दोनों, ये जो समीकरण है इसके दो जीरोज़ हैं या दो फैक्टर हमारे सामने हमें दिए गए हैं, एक तो x प्लस का 2 और x माइनस का 2। तो ध्यान रखिएगा जो किसी समीकरण के हल होते हैं, जैसे कि ये हल हैं, हल बोले जाते हैं, किसी समीकरण की जितनी मैक्सिमम घात होती है उसके उतने ही हल होते हैं। तो यानी कि इसके तीन हल होंगे लेकिन दो हमें दे दिए हैं, तीसरा भी होता है या दो दिए हुए हैं, किसी भी हल को लेके अगर हम जीरो के बराबर रखें तो उससे जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से आएगी माइनस के टू और यहाँ से आएगी प्लस के टू, यहाँ पर रखें तो वो टर्म जीरो होता है हमेशा, उसकी वैल्यू इक्वल में जीरो आती है। ये फैक्ट होता है द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण, जो समीकरण जब आपने 9th में या 10th में पढ़े होंगे तब ये वहाँ की कंडीशन बनती है कि किसी भी समीकरण को अगर उसके जीरोस, यानी कि अगर समीकरण x में है तो उसके जो हल हैं या फैक्टर्स हैं उससे जो हमने x का मान निकाला है अगर हम उसको एक उस समीकरण में पुट करें तो वो समीकरण हमेशा जीरो आता है। तो अगर हम पहले वाले जो फैक्टर था, जो पहला वाला गुणनखंड था, उससे हमने जो जीरो रख के x की वैल्यू निकाली, अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें तो देखिए ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का 8a, ये बन जाएगी प्लस के 4 3 12 और ये बन जाएगी प्लस के 8 2 16, ये बन जाएगी b इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई मेरे पास कितना, देखिए ये नेगेटिव था ना 8b, हाँ 3b² यानी कि 3 × 4 = 12 बन गया और ये नेगेटिव में ही है हमारे पास, तो 8 2 16 प्लस में बन गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 16 और 12 कितना, 28। तो 28 को लेके भेज दो वहां पर नेगेटिव में, 28 में।
तो ये जो हमने किया है वो x बराबर माइनस टू से किया है। अब एक बार x बराबर प्लस टू जो कि हमने यहाँ पर जीरो रख के निकाला है उससे वो कीजिए। जब टू रखेंगे तो यहाँ बनेगा प्लस के एट ए, और प्लस के एट ए के साथ में ये बनेगा प्लस के बारह, और ये बनेगा माइनस के सोलह, और ये बनेगा b इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा एट ए प्लस के बी, और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के चार। जब वहाँ भेज देंगे तो प्लस के चार होगा। अब इसको आपको हल करना है, एक समीकरण एक को, समीकरण दो को, इन दोनों को आपको हल करना है। तो बस कुछ नहीं है, ऐड करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा और टू भी बचेगा, और यहाँ पर 28 माइनस के और चार प्लस के, तो यहाँ बचेगा माइनस के 24, यानी कि दो से काटने के बाद बी की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस के 12। अब देखिए माइनस के 12 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, तो दूसरे चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ए अगर चाहेंगे निकाल चाहें तो निकाल लें किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, अगर आप यहाँ रख दें तो भी एक ही वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, बी की वैल्यू रख दीजिए माइनस 12, वहाँ जाके ऐड हो जाएगी, 12 और 4 16 हो जाएगी, 8 से काटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। वरना वैसे आप देख रहे हैं कि सी ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी जो है नेगेटिव 12 है, बाकी कई 12 नहीं है। तो ए बराबर 2 और बी बराबर माइनस के 12 मिल जाएगा। तो ये जो है हमने आज के जो क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे थे आपको आज बताने के लिए स्टार्टिंग के बेस पे, तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन थे, और सिंपल नहीं थे अगर टिपिकल लगे हों तो भी हमने बड़े ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो फिर कल हाजिर होंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और अच्छे तरीके के साथ, और अच्छे मेथड के साथ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, पढ़िए अच्छे से, थैंक यू।